जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बदतमीज, ये क्या कर दिया तुमने? मैं जानती थी तुम्हारे इरादे साफ नहीं है। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं जानबूझकर तुम्हारी ये क्यों फाड़ूंगा कुर्ती? दूर रहो। तुम मुझे अब इतना बुरा आदमी समझती हो तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। दूर रहो मुझसे, आगे मत बढ़ो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। पंडित के बेटे हो ना तुम, और मेरी इज्जत पे मैं डालूंगा तुम्हारी इज्जत पर हाथ। पत्नी से प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान हर कोई नहीं करता है। ये सीख मिली है मुझे पंडितों के घर से। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत से कीमती गहना मेरे लिए इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इतना कुछ कह दिया मैंने इन्हें जान से मारने की धमकियां दी, फिर भी इन्हें मेरी आबरू की कितनी फिक्र है। इस बार इन्हें गलत समझने के लिए मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। किसी के ना रहे दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल दिया। हजारों कौन है अंदर? चोर! चोरी करने के लिए इन्हें रानी पद्मा का ही घर मिला था। युवराज अंकुश दो दिन के लिए बाहर क्या गए? ये चोर घर में घुस के आराम से बस गए हैं। चोर? कौन सा चोर? छोड़ेंगे नहीं इन कमीनों को, नहीं छोड़ेंगे। चलो ये चोर हैं। चोर? महल के अंदर आवाज सुनते ही समझ गया था, जरूर अंदर चोर घुसे हैं। तुम दोनों जानते भी हो ये रानी पद्मा का महल है, देवी की तरह पूजते हैं उन्हें, और तुम दोनों ने महल में चोरी की। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। ए, रुक रुक, खबरदार अगर किसी ने चाहत को हाथ भी लगाया तो। हमने कोई चोरी नहीं की है, पत्नी है मेरी। ये देखो इसके माथे में सिंदूर है। सिंदूर? ये कैसे लग गया? चलो माना तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन तुम दोनों यहाँ रानी पद्मा के महल में क्या कर रहे हो? अरे भाई, मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं, समझा करो तुम। पैसे वैसे थे नहीं हमारे पास, और घर में बहुत छोटी जगह है तो रोमांस करने का मौका मिलता ही नहीं है। हमें ये रानी महल दिख गया, यहाँ आ गए हम हनीमून मनाने के लिए। और देखो यार, सबूत भी है, टूटा हुआ पलंग। हाँ हाँ, वैसे सही कह रहे हैं ये। तुम दोनों को हनीमून मनाने के लिए हमारी पूजनीय रानी का ही महल मिला था। निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। हाँ, हमारा हो गया है, हम बस जा रहे हैं। डार्लिंग, डार्लिंग, चलें। हम चलते हैं। चलो रुको, झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये देखो, ये तो लापता है। इसका नाम चाहत बेग है। चाहत बेग मतलब मुसलमान। इस आदमी के माथे पर तिलक भी लगा है। ये लड़की इसकी पत्नी तो हो ही नहीं सकती। इसको पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। मतलब इनाम के लालच में इसने इस लड़की का अपहरण किया है। अरे, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़िए इन्हें। और मारो इसे। अरे पागल हो गया। अरे सुन मेरी बात, तेरी पत्नी है ये, तू पागल हो गया क्या? अरे छोड़िए, छोड़िए उन्हें, छोड़िए, छोड़िए उन्हें। Thank you.
मैंने कहा छोड़ो इन्हें, दूर दूर हो जाइए। खबरदार जो किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो दूर हो जाओ। हे शिब्बू, रानी पद्मा की तलवार, अरे ये क्या कर दिया तूने छुआरी, आज तक किसी ने रानी पद्मा की तलवार को हाथ नहीं लगाया। इसके लिए तुझे सजा मिलेगी, दे तलवार दे दे। दूर रहिए। तलवार दे। दूर रहिए। तलवार छोड़िए। छोड़ तलवार। बाद में, पहले हमारे मुखिया के पास चलकर तुम्हारा इंसाफ होगा। पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाना, इनकी जान जा सकती है। जब तक इस तलवार को छूने की सजा तुम्हें नहीं मिल जाती, तब तक इस आदमी को यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। पकड़ो इसको, ले चलो इस लड़की को मुखिया जी के पास। नील, नील। छोड़िए मुझे। चाहत, हे भोलेनाथ, निकाले गए चाहत को। छोड़ो मुझे। चुप, मुखिया जी, ये लड़की मुसलमान है और महल में छुपी हुई थी। इतना ही नहीं, इसने रानी पद्मा की तलवार को छूने का दुस्साहस भी किया। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फोन ट्राई करता। छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे। रानी पद्मा की तलवार को छूने के लिए इस छुआरी को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। सजा तो इसे मिलके रहेगी। आपको मुझे जो भी सजा देनी होगी मुझे वो सजा मंजूर होगी, लेकिन अभी मुझे नील को हॉस्पिटल लेकर जाना है। उन्हें फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, नहीं तो वो बचेंगे नहीं। उसके बाद आप जो सजा मुझे देंगे मुझे वो सजा मंजूर होगी। कोई भी सजा मंजूर है? जी हाँ, आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। तो चलो, अकेली मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अकेली? क्यों? मैं अकेले आपके साथ आपके कमरे में क्यों आऊंगी? छोड़ो मुझे। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो अब सवाल क्यों? चलो मेरे साथ। तुम बाहर ध्यान रखो। छोड़िए मेरा हाथ। लो। चोर, इन लोगों के साथ अकेले मत जाओ। छोड़िए मेरा हाथ। चल मैं आ रहा हूँ। देखो वहीं रुक जाओ, आगे मत आना, पूरा मेरे पास मत आना। तुम प्लीज आगे बताओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।